उस्मानाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने कर्ज वसूली के लिए अनोखा रास्ता निकाला है। बैंक की ओर से कर्जदारों के घरों के सामने बैठा सत्याग्रह करके गांधीगिरी मार्ग से कर्ज वसूली की जा रही है। राज्य भर में आर्थिक घोटालों की वजह से चर्चित उस्मानाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने कर्ज वसूली के लिए अनोखा रास्ता निकाला है। बैंक कर्मचारियों के 27 पथक बनाकर कर्जदारों के घरों के सामने बैठा सत्याग्रह करके गांधीगिरी मार्ग से कर्ज वसूली की जा रही है। इस वजह से खाताधारक भी बदनामी के डर से तुरंत कम ज्यादा खर्चा भर रहे हैं। 8,90,000 सभासद रहने वाली इस बैंक का 141 करोड़ का बकाया लोन है, 225 करोड़ कृषि कर्ज बकाया है। सदस्यों को 445 करोड़ रुपए की जमा राशि लौटानी है। अब तक 5 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वसूल किया जा चुका है। आर्थिक तंगी के चलते बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए एक अनोखे फंड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन कई जमाकर्ताओं ने पैसे न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली है। जमाकर्ता जमा राशि तत्काल वापसी की मांग कर रहा है। सत्याग्रह चालू आहे, कारण थकबाकीदार आमच्याकडे जास्त वाढले, कारण आमच्या बँकेची आर्थिक परिस्थिती डबळमत आली, कर्मचारी पगार आणि वेतन इतर लोकांचे बी थकित राहिल्याच्या कारणाने म्हणून गांधीगिरी पद्धतीने सभासद कर्जदार थकबाकीदार कर्जदाराच्या समोर घरासमोर बैठा सत्याग्रह करून कर्ज वसुली सामंजस्याने करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असा आमचा बँकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मार्फत सूचनेप्रमाणे आम्ही कामकाज करत आहोत। वसुलीला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे। कधीपासून सुरू आहे? साधारणतः एक महिना झाला। कर्जदाराचा प्रतिसाद कसा आहे? मिळतो की चांगल्या प्रकारचा? बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळायला लागलाय। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।